मुझे तो नहीं पता मैं डिसाइडेड थी कि नहीं थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता। एंड ट्रस्ट मी, मेरे कपड़ों पे बात हो रही है कि वो कपड़े प्लान करके आई थी, मैं प्रिपेयर्ड आई थी, फिक्स्ड विनर है ये है, सो आई डोंट नो व्हाट टू से, शो ख़त्म हो गया है, मैं जीत चुकी हूँ, एंड आई वुड लाइक टू एंड इट ऑन दैट नोट। वो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, उन्होंने मुझे बोला कि सना मुझे पसंद नहीं है, बट स्टिल मी बींग मी मैं तो करूँगी। एज अ फ्रेंड मैं तो यही बोलूँगी कि मैं उनके साथ डे स्पेंड करना चाहती हूँ, एंड जैसे मैंने चाहा मैं करती वही हूँ। सना, घर के अंदर एक टास्क हुआ था जहाँ अरमान को थुलथुला बोला गया था, उस चीज़ को नहीं, हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट तो कर ही चुके हैं और मुबारकबाद भी दे चुके हैं, लेकिन ऑब्वियसली जानना चाहेंगे कि लाइफ कितनी चेंज हुई है बिग बॉस जीतने के बाद। लाइफ सेम ही है बट करियर एस्पेक्ट पे बहुत सारी चीज़ें बदली है। बहुत अच्छा लग रहा है, यू आर अप्रिशिएटेड एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस, बहुत सारे यंग लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उस चीज़ का बहुत गर्व है, प्राउड फील हो रहा है। एंड कहते हैं ना, जब आपके सर पे ताज आता है तो यू फील वेरी हैवी एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल, तो आई थिंक मुझे भी वो हैवी और रिस्पॉन्सिबल फील हो रहा है, बट एज आई सेड दैट नो मैटर व्हाट, हेड हाई। वैसे यू आर अ क्वीन फॉर अ रीज़न, और ये हम अब समझ सकते हैं क्योंकि आप जब घर से बाहर निकली थी तो आपने अरमान के साथ में, रणवीर जी के साथ में, सबके साथ में हग आउट करके ये सब चीज़ यू नो वहीं छोड़कर और बाहर निकली थी, लेकिन आप के घर के बाहर बिग बॉस ख़त्म होने के बाद भी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, जहाँ हर रोज़ सना मकबूल के ऊपर कुछ ना कुछ एलिगेशंस लगा कर और यू नो व्यूअरशिप खींची जा रही है अपने तरफ, चाहे वो विनिंग को लेकर हो या फिर यू नो किसी और चीज़ को लेकर। सबसे पहले तो जो विनिंग को लेकर कहा जा रहा है कि आप ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड थी विनर, क्या कहेंगे? आई डोंट नो मैं इस पर क्या बोलूँ, मुझे तो नहीं पता मैं डिसाइडेड थी कि नहीं थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता। एंड ट्रस्ट मी, मेरे कपड़ों पे बात हो रही है कि वो कपड़े प्लान करके आई थी, मैं प्रिपेयर्ड आई थी, मैं यू नो आई एम एन एक्टर एंड आई वॉन्ट टू लुक गुड, इसमें गलत कुछ नहीं है। मेरे घर पे या मेरी बहन को, मेरी मम्मी या मेरी बहन को आइडिया नहीं है कि मुझे क्या भेजना चाहिए क्या नहीं भेजना चाहिए, तो येस आई केप्ट समबडी हु इज़ प्रोफेशनल टू लुक आफ्टर माई क्लोथ, उसमें गलत कुछ भी नहीं है। सो या आई थिंक मेरे फिक्स्ड विनर है ये है, सो आई डोंट नो वॉट टू से, शो ख़त्म हो गया है, मैं जीत चुकी हूँ, एंड आई वुड लाइक टू एंड इट ऑन दैट नोट दैट प्लीज़ मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं बहुत पॉजिटिवली अपनी चीज़ों को आगे देख रही हूँ, सो या इट डजंट मैटर फॉर मी। सना, घर के अंदर एक टास्क हुआ था जहाँ अरमान को थुलथुला बोला गया था, उस चीज़ को नहीं, तो अब नेजी से हमने पूछा था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, एंड नेजी से जब पूछा गया था और नेजी ने कहा था मैं बाहर जाके सना से कुछ बात करना चाहूँगा, उसका राज अब फाइनली खुल गया है। नेजी ने कहा वो स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड आपसे कुछ बात करना चाहते थे, क्योंकि वो टिपिकल मोमेडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो आपको उस राह पर लेकर जाना चाहते हैं, इस बारे में नहीं, आई डोंट नो, मुझे नेजी ने अभी तक वो स्पिरिचुअल लेवल पे मेरे से बात की नहीं है, तो मैं इस चीज़ पे जवाब नहीं दूंगी, बट जिस दिन वो करेंगे मैं ज़रूर सबको बताऊंगी कि हमारी क्या बात हुई। बट या आई मीन अगर वो मुझे लेके जाना चाहते हैं तो हमारी अंदर भी इस टॉपिक पे बात हो चुकी है, सो लेकिन अगर वो आपको बोलते हैं कुछ आइडियाज़ देते हैं इस पर, उन्होंने अंदर मुझे अपना आइडिया दे चुके हैं, आई डोंट नो ये कहाँ से आ रहा है, बट आई डोंट नो, नो कमेंट्स ऑन दिस यार। ऑलराइट, सो नेजी दीबा और आपका प्रोजेक्ट आने का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं फैंस, जो आपको पसंद करते हैं, जिन्होंने आप दोनों का हैशटैग बनाया है, और लव इट, आई लव इट, मैं इतनी रील्स देखती हूँ मेरी और नेजी की, आई लव इट, हमारी फ्रेंडशिप की, हमारे बॉन्ड की, बहुत अच्छा लगता है ये प्यार जो हमें मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट एंड वेरी थैंकफुल फॉर इट। लेकिन शादी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इतनी सारी, पर आपने एक्सेप्ट किया था। सो लास्टली फैंस के लिए क्या कहेंगी, और विशाल कटारिया सबके साथ आपकी मुलाकात का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, आप कब मिलने वाली हैं, कब प्लान कर रही है नेजी का? बहुत जल्द नेजी से मिल चुकी, विशाल से मिल चुके, अभी लवकेश और शिवानी बचे, शिवानी कानपुर में है, लवकेश गुड़गांव में है, तो बस प्लानिंग चल रही है कि कब हम चारों एक साथ मिले या पाँचों एक साथ मिले, सो आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट।
डेजी का बर्थडे है, कुछ स्पेशल प्लान कर रही हैं एज अ फ्रेंड अपने? एज अ फ्रेंड मैं तो यही बोलूँगी कि मैं उनके साथ डे स्पेंड करना चाहती हूँ, एंड जैसे मैंने चाहा मैं करती वही हूँ. तो बस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, रात को 12 बजे जाऊँगी, कोशिश करूँगी घर उनके जाऊँ, उनसे मिलूँ. और या वो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, उन्होंने मुझे बोला कि सना मुझे पसंद नहीं है, बट स्टिल मी बीइंग मी मैं तो करूँगी. राइट, लास्टली नेजी के बर्थडे के मौके पर क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को? मैं नेजी को दिल से बहुत बहुत यू नो आई वुड से हैप्पी बर्थडे नेजी, आई रियली रियली अडोर यू द वे यू आर, एंड बहुत अच्छे इंसान हो आप, प्लीज़ ऐसे ही रहना. मैं अपने फैंस को ये बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच, आपने इस जर्नी में मेरा साथ दिया और आगे भी साथ देते रहिए, बहुत कुछ करना है आगे, तो साथ मिलकर करेंगे. थैंक यू सो मच सना, थैंक यू.